हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यू हेल्पिंग आई टीवी। फ्रेंड्स, पुराने ज़माने में हमारे बुजुर्ग गर्भावस्था में घी खाने की सलाह दिया करते थे। घी खाने से नॉर्मल डिलीवरी में काफ़ी आसानी हो जाती है। आज की इस वीडियो में हम आपको घी खाने का सही समय और मात्रा बताने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आप ये जान लें कि घी खाने से गर्भाशय में चिकनाहट आ जाती है और शिशु के नीचे की ओर खिसकने में मदद मिलती है, और घी से गर्भवती माँ में नॉर्मल डिलीवरी से लड़ने की ताकत भी मिलती है। वैसे तो आप घी नॉर्मल रोटी के साथ पूरी गर्भावस्था में खाती ही होंगी, लेकिन आप 8वें महीने से घी का सेवन तरल पदार्थों जैसे दाल, सब्जी आदि के साथ खाना शुरू कर सकती हैं। 9वां महीना जैसे ही शुरू हो जाए, तब आपको नियम से एक गिलास गुनगुने दूध में 2 चम्मच पिघला हुआ घी मिक्स करके पीना है। आखिरी महीने में दूध के साथ घी जरूर ही पीना शुरू कर दें, क्योंकि इससे आपके गर्भाशय में चिकनाहट आ जाएगी और शिशु जन्म आसानी से हो जाएगा। कोशिश करें कि घी को रात में सोते समय दूध के साथ पिएं। आखिरी समय में घी के सेवन से आपके शरीर की मांसपेशियां मजबूत हो जाएंगी और आपको ताकत भी मिलेगी। घी का सेवन आपके सर्विक्स को जल्दी खोलने में मदद करेगा। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको फ्रेंड्स यह वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, और ऐसे ही प्रेगनेंसी और बच्चों से जुड़ी हर समस्या के समाधान के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।